हेलो एवरीवन, मैं सरिता, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या रखा है, तो ये दोस्तों अक्सर हम सभी महिलाएं घर में दूध जो लेते हैं, दूध की मलाई जो होती है उसको बचा लेते हैं और उससे घी निकालते हैं। तो जो घी निकलने के बाद में जो ये मावा बचता है वही है ये, तो यही वाला हम आज यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी रेसिपी इससे बनाएंगे। तो सबसे पहले खा के देख लें इसको कि इसका स्वाद अच्छा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों की जब ये मलाई हमारी रखे रखे हो जाती है तो इसमें खट्टापन भी आ जाता है। तो खट्टापन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मावे की तरह ये लगना चाहिए स्वाद में। तो अगर ऐसा लग रहा है मावे की तरह तो तभी आप इसका यूज करें। तो ये बिल्कुल मावे की तरह है, तो मैंने खा के देखा, बिल्कुल मावे की तरह स्वाद है इसका, तभी हम बना रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बचा हुआ मावा है हमारा, ये हमने ले लिया है, और थोड़े से ले लेंगे ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए, और थोड़ी सी चीनी लेंगे स्वादानुसार, मतलब जितना मीठा आप खाना चाहें उस हिसाब से आप चीनी लीजिए। तो ये अभी चीनी पिसी नहीं है, इसको हम पीसेंगे मिक्सर जार में डाल के, और फिर हम लेंगे ये थोड़े से मखाने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जिस कढ़ाई में घी बनाया था उसी कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ, दूसरी कढ़ाई नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है, ये गर्म होने देंगे इसको, और फिर इसी में हम डाल देंगे मखाने। मखाने हमको रोस्ट करने हैं, तो इनको मखानों को डाल के हम ऐसे धीमी आंच पर चलाते रहेंगे, और तब तक चलाएँगे दोस्तों जब तक कि कुरकुरे ना हो जाएँ। तो चलिए इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए कुरकुरे हो गए हैं। और इधर इसी गर्म कढ़ाई में हमने ये काजू कट करके डाल दिया है, और ये चीनी को हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया। अब इन मखानों को पीस लेंगे। तो अब मैंने गैस जला दी है, ये देखिए हल्का सा रोस्ट हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे कढ़ाई में ये मावा, सोया भी बोल सकते हैं आप, और इसको हल्का गर्म करेंगे। जिससे कि सॉफ्ट हो जाएगा ये, ऐसे चलाते रहेंगे और ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हो चुका है सॉफ्ट। अब हम इसी में पाउडर डाल देंगे, जो कि मैंने मखानों का पाउडर बनाया था उसको डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी, मखाने के पाउडर को। और हम फ्लेम कर देंगे ऑफ, क्योंकि अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब इसी में हम डाल देंगे ये चीनी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी, क्योंकि घी हमारा घर पे ही बना हुआ है। तो इसको डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। अब इनको हल्का सा होने देंगे हम ठंडा, मतलब गुनगुना रहेगा हाथों में, हम पकड़ सकें अच्छे से, ऐसा रखेंगे। और फिर इसके बनाएंगे हम लड्डू, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने लड्डू बना लिए हैं, और लड्डू बनाते हुए मैंने नहीं दिखाया, और ये बहुत ही आसानी से अच्छे से बन जाते हैं, और टेस्टी भी बहुत हैं खाने में। तो हमारे बच्चों ने खाया तो उनको बहुत पसंद आया। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा, और बनाइएगा अपने घर में तो बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने ये लड्डू। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, फैमिली में हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।